नमस्कार ऑल इन वन, सभी का संचिति ऑल इन वन में स्वागत है एक बार फिर से आपका सभी व्यूवर्स का। आइए आज मैं आपको ये बताती हूँ कि जो मशीन धागा बार बार तोड़ती है वो क्यों तोड़ती है। मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स की ये डिमांड है कि वो उनको कोई सही सोल्यूशन बताएं, तो मैं आप आज कोशिश करूंगी कि आप तक सही सोल्यूशन पहुंचे। देखिए, ये तो आपको पता है कि मशीन धागा तोड़ती है, परंतु आपको ये नहीं पता है कि हमारी मशीन जो धागा वो क्यों तोड़ती है। तो सबसे पहली समस्या हमारी धागे की जो तोड़ने की होती है वो होती है गट्टी की समस्या। सबसे पहले आप ये चेक करो कि आपकी गट्टी अच्छी क्वालिटी की है, आपके पास धागा मजबूत है। जैसे देखो ये वाला धागा, ये मजबूत है और ये नहीं टूटेगा। इसको आप जैसे कि मशीन होती है और मशीन का जो एंगल होता है वह इस प्रकार धागा जब सुई को देता है तो वह ऊपर नीचे अप डाउन करके देता है, और अप डाउन की स्थिति में ऐसे खींचते ही वो टूट जाता है, तो क्योंकि वो कच्चा धागा है। अब आप ऐसे पक्का धागा यूज करें, ये वाला जो धागा ये पक्का है और जल्दी सी बहुत ज्यादा खींचने पे ये टूटता है, जल्दी सी बिल्कुल नहीं टूटता है। और ये देखो, ये गट्टी है मेरे पास, कुछ ऐसी गट्टी आ गई थी जो कि कच्ची थी, जिसको ऐसे खींचते ही हल्का सा स्पेस देते ही ऐसे टूट जाती थी। तो ये वाली जो गट्टी है वो टूटती रहती है धागा, तो ये कच्ची गट्टी की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी आप ना करें, आप जो है गट्टी को, अच्छी गट्टी को यूज करें, तो आपकी पहली समस्या यहाँ पे दूर हो जाएगी गट्टी वाली। यानी कि गट्टी की समस्या से अगर आपका धागा टूटता है तो पहले उसको आप मिटा लें। अब ये जो देखो, ये जो नोक होती है, ये जो नोक है, ये जो धागा नीचे सुई को देती है ये अप डाउन करके देती है, यानी कि खींच के देती है। तो जैसे ये इसको खींचेगी ये ऐसे कट हो जाएगा, अगर धागा कच्चा होगा तब। अगर ये मजबूत धागा है बहुत खींचने से ये टूटेगा, और बाकी बिल्कुल हल्का सा आप प्रेस करोगे बिल्कुल नहीं टूटेगा। यानी कि यह धागा आपका मजबूत है और ये प्रेस करने पे नहीं टूटता है, तो ये धागा ओके है। और आप इस प्रकार का धागा ही यूज करें जो कि आपको इस प्रकार प्रेस करते पता चल जाए कि हाँ ये मजबूत है। तो आप प्रेस करके ऐसे चेक कर ले अपने धागे को, ये आपकी पहली समस्या यहाँ संपन्न हो जाएगी। तारियों जो प्रॉब्लम होती है देखो वो यहाँ पे होती है, ये जो मशीन की ये जो सुई है, ये जो अगर यहाँ पे देखो, ये वाला जो है यहाँ पे जो अगर थोड़ा सा टक हो जाती है, यहाँ पे इसको टच करती रहती है तो आपका धागा टूटेगा। ये जो आपकी सुई है और बीच बिल्कुल देखो बीच में अगर जा रही है, ये देखो ये जहाँ तक बीच में जाती है तो मतलब कि आपकी जो सुई है वो बिल्कुल सही है, ऐसे जो बीच में जा रही है। और अगर ये कॉर्नर को टच करती है, ये वाला जो कॉर्नर है इसको अगर वो टच करती है तो मतलब कि यहाँ से आप चेक कर ले कि आपकी ये जो नीडल्स है ये इसको टच ना करे, जो ये गोल राउंड है, ये जो बेज है, छिद्र है, इसको टच ना करे। ये जो सुई बिल्कुल बीच में जानी चाहिए इसके, तो आपका धागा नहीं टूटेगा। ये हमारी दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या इसके बाद की जो समस्या है वो आपको सेटल के अंदर दिखाई देगी। अब जो नेक्स्ट हमारी समस्या होती है वो हमारी यहाँ सेटल में होती है। सेटल में क्या होती है देखो, पहले तो ये बॉबिन्स होती हैं। आप इसको निकाल करके चेक कर लें कि आपकी जो बॉबिन्स का जो धागा है, देखो यहाँ से ये जो हमारा धागा होता है ये अगर इस तरफ आ गया है तो ये गलत है। ये जो ये नोक है यहाँ, इसके पास में रहना चाहिए। फिर ये जो नोक नुकीली हो जाती है, इसकी वजह से आपका धागा कटता रहता। जैसे ये हमारी और बॉबिन्स है और ये धागा भी यहाँ आया है, और इसकी जो ये देखो ब्लेड है, ये ब्लेड क्या करती है कि यहाँ से ये नुकीली हो जाती है और धागे को यहाँ से ये कट करती रहती है, तोड़ती रहती है। तो ये भी आप इसको चेंज करा सकते हो। ये ब्लेड होती है और ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। इसका ये पेच नट होता है, इसको आप खोल करके यहाँ पे ये नई ब्लेड लगा सकते हो, ताकि आपका धागा बार बार जो है बोबिन्स मतलब कि आप चेंज कर सकते हो, तो आपका धागा बार बार नहीं टूटेगा। अब ये ऐसे क्या है, ये जो ऐसे कई बार ऐसे ऊपर नीचे भी हो जाती है, ये देखो ऐसे हो जाती है, इस तरफ ऐसे ऊपर चली जाती है, और ये बोबिन्स के ऐसे ऊपर चली, इससे भी आपकी सिलाई जो बिल्कुल खराब आएगी, ये धागा इसमें तो ऐसा निकलने लगेगा। तो इसको आप सही सेटिंग भी करें, साथ में ये भी जांच लें कि यहाँ से ये जो ब्लेड है वो तीखी ना हो गई हो। ये नोक है जो यहाँ से धागा काटती रहती, कई बार मेरा धागा ऐसे ना कट जाता था, जैसे यहाँ से
इसके इसको टच करता था ब्लेड को और यहाँ से ऐसे कट जाता था, तो फिर मैंने इसको चैलेंज कर लिया। तो ये मतलब कि जो है बोबिन धागा फिर नहीं काटती है, तो दो ये समस्या भी होती है कि अपनी जो बोबिन है वो भी धागा काटती रहती है खराब हो जाने पर। तो इसको आप चेक कर ले, आपका धागा सही हो जाएगा। जो तीसरी समस्याएं हैं वो मैं बताती हूँ कि आपका ये सेटल होता है, इसके अंदर भी एक और ब्लेड होती है, वो कहाँ होती है, वो जो धागा काटती है, धागा तोड़ती है। देखो ये हमारे सेटल का ये वाला पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये जो होती है डब्बी जिसमें हम डब्बी डालते हैं, यहाँ यहाँ पे हमारी जो सुई आती है तो ये क्या है, यहाँ पे तेज धार हो जाती है, इसकी चलते चलते इसकी धार तेज हो जाती है, तो इसको हमें रेजमाल से कुछ घसना पड़ता है। तो मैं आपको इसको खोल करके बताती हूँ कि ये कैसे धागा काटती है। इसको जानने के लिए देखो हमें सेटल को इस प्रकार से खोलना पड़ता है, और आप सेटल को ऐसे आसानी से खोल सकते हो। ये हमारे सेटल के दो नट होते हैं और आप इनको आसानी से खोल लो। जो भी आपके ऊपर की सिलाई की प्रॉब्लम होगी वो नीचे से होती है हमेशा। तो इसको देखो, इसमें इतना तो ये हमारा कपड़े का कचरा आता रहता है। इसके बाद इसको साफ कर लिया सबसे पहले। इसके बाद में आपको जो बताती हूँ कि मेन धागा तोड़ने वाली क्या चीज है। तो ये देखो, ये हमारा सटल होता है और यहाँ पे हमारी चक्री रहती है, जो बोबिंग होती है वो यहाँ पे ही रहती है। और ये जो देखो, ये जो बीच वाला है, यहाँ से सुई अंदर आती है और इन ये जो दो आपको छोटे छोटे अंदर दिखाई देते हैं, इनको मैं निकाल करके बताती हूँ आपको कि इसमें से निकलना भी थोड़ा सा दुर्लभ है मेरे लिए, तो क्योंकि मैं कम ही ऐसा काम करती हूँ और मुझे इसका नॉलेज भी कम ही है। मैं आपको इसको पूरा खोल के बता देती हूँ। इसको मैंने देखो ऐसे खोल लिया है, ठीक है। सबसे पहले पार्ट ये वाला होता है, इसके बाद ये वाला होता है। ये दो पार्ट आप ध्यान रखें कि इसको हमें वापस ऐसे ही लगाना है, बिल्कुल ये जो ऐसे ये जो तिरछी नोक है ये आराम से मिल जानी चाहिए और ये बिल्कुल बराबर हो जब हम वापस इसको सेटिंग करें, तो हमें यह ध्यान रखना है। इसके बाद देखो ये वाली, तो हमारी जो सुई है वो यहाँ पे आती है, ये जो दो ब्लेड होती है ये तीखी और धारदार हो जाती है, और यहाँ से ये जो नोक है, ये देखो मेरी नोक अब नुकीली हो गई। मेरी एक दो दिन से ये समस्या हो रही थी कि मेरी सिलाई में धागा कट रहा है, तो मुझे ये वीडियो भी बनाना पड़ा और अपनी मशीन को पूरा चेक करना भी पड़ा। तो मैं आपको इसीलिए मैं अपने भी वो व्यूअर्स है जो सब्सक्राइबर्स है वो डिमांड करते रहते कि धागा बार बार टूटता रहता है। तो आप देखो ये जो यहाँ पे आती है, मैं आपको दिखाती हूँ पूरा इसका कारण, मुझे पता करना था कि ऐसा क्यों होता है। तो अब जो देखो ये जो नुकीली वाली आ रही है, ये जब हमारी मशीन या सुई इधर से अंदर आती है धागे को ऊपर ले जाने के लिए, तो यहाँ जो ये देखो इसका जो नुकीलापन है, इस जो अंदर वाली डब्बी जो रहती है इसका ये जो नुकीलापन है, ये तीखा धारदार हो जाता है और ये जो आपका धागा कट यहाँ पे टच होता है कट कट करता रहता है। तो आप मेरा भी ये बहुत नुकीला हो गया है, तो अब मैं रेजमाल मंगाऊंगी और इसको घसूंगी। तो ये देखो, आप जानते होंगे रेजमाल कैसा होता है, ये ऐसा रेजमाल होता है और ये मिल जाता है मार्केट के अंदर और हम इसको घर में रखते भी हैं थोड़ा बहुत, जब काठ वगैरह के काम होते तो ये रेजमाल काम में आता है घसने के लिए। तो मैं इसको थोड़ा सा इसमें से यहाँ से इसकी जो नोक होगी उसको ऐसे थोड़ा सा घस लेंगे तो यहाँ पे ये जो इसकी धार है वो यहाँ खत्म हो जाएगी। तो ये देखो, अब जो ये पहले मेरे को इतनी मतलब तीखी हो गई थी तो बहुत ये चुभ रही थी यहाँ से, और ये फिर धीरे धीरे इसको दो मिनट तक आप ऐसे इस सेब को ऐसे रगड़ोगे तो ये थोड़ा कम धार, इसमें इसकी जो धार है वो खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिनिशिंग आ जाएगी इसमें। तो आपको ऐसे अपनी जो रेजमाल से इसकी जो धार है वो ऐसे कम कर लेनी है। अब इसकी धार कम हो गई है और अब ये धागा नहीं तोड़ेगी, तो अब हमें इसको क्या करना है, साफ करके ऐसे और फिर इसको वापस इसमें आपको सेटिंग कर लेना है। जैसे कि ये हमने इसमें साफ कर लिया है, इसको हमें ऐसे उल्टा
आपको सेटल बता देती हूँ, जब भी ये वीडियो भी आप देख रहे हो, क्योंकि मेरे को ऐसा कमी बनाने का मौका चांस मिलता है, ऐसा अवसर मेरे पास नहीं आता है, फिर भी मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है कि मैं जो मेरे पास अनुभव जो नॉलेज है जो मैंने देखा है उस प्रकार से मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। तो ये हमारे सेटल का मेन डब्बा है, इसके अंदर आप ये बोबिंग वाली जो है वो डाल लीजिए। इसके बाद में हमें इसको फिर साफ करके इसके ऊपर यहाँ पे लगाना है। इससे पहले मैं इसको फिर हल्का सा जो इसकी जो आगे की नोक होती है इसको मैं थोड़ा सा साफ करूंगी इससे रजमाल से, ताकि इसमें भी जो तीखापन आ जाता है इनमें चाह तेल से घसते घसते जो ये तीखी हो जाती है, इसकी वजह से ये आपके धागे जो है वो तोड़ती रहती है, तो जहां भी आपका धागा टच होता है वो वहां से टूट जाता है। तो हम इनको साफ करके ऐसे और फिर अपनी वो जो है इसमें सेटिंग कर लेंगे। तो जैसे कि हमने अब देखा था वैसे ही हमें इसको सेट करना है। देखिए इसको देखते हैं कि ये ऐसे लगती है क्या। तो देखो इसको मैंने इसमें डाला है, ये बिल्कुल बराबर आ गई है, और इसको हम ऐसे भी लगाते हैं तो देखिए कैसे हो जाता है। अब आगे इसको ऐसे उल्टा डालोगे तो ये देखो यहाँ पे नहीं आएंगी, मतलब कि ये ऐसे इस प्रकार से डालेंगे तो ये उल्टी है, तो इसको हमें फिर ऐसे जो इसकी ओरिजिनल की साइज है उसमें हमें इसको डालना होगा। अब ये यहाँ पे बिल्कुल सेटिंग हो गई। अब जी देखो ये वाली पत्ती होती है जो इसका लोक होती है, लोक पिन बोलते हैं इसको, लास्ट के अंदर ये लोक कर देती है पूरे सिस्टम को, तो सेटल के सिस्टम को ये यहाँ पे लोक करती है। अब आपको इसको लगाना कहाँ पे है, तो ये जो दोनों देखो एक इस तरफ है एक इस तरफ है, इनके बिल्कुल पास के अंदर हमें इसको ऐसे बराबर में सेटिंग कर लेना है। ध्यान रखिए कि ये जो इसकी बिल्कुल भी नोक बाहर की साइड में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, फिर इसका जो पेच होता है आप उसको ऐसे धीरे धीरे, तो आप इस सेटल को खोलना और अच्छे से वापस बंद करना। इस वीडियो को देखने के बाद आप सेटल को अच्छे से सेटिंग करना बिल्कुल सीख जाएंगे। सेटल में जो भी आपकी समस्याएं होगी उन्हें आप दूर कर सकेंगे सेटल को खोल करके। तो मैंने इसको आपको खोल करके भी बताया है और पुनः वापस भी लगा दिया है, तो ये हमने इसको ऐसे लगा दिया है। और ये हमारा यहाँ से देखो ये यहाँ से बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहिए, यहाँ से बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहिए, ये इसके अंदर अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो लॉक पिन है ये इसके अंदर अंदर ऐसे रहनी सेट होनी चाहिए। अगर आपके ये जो पार्ट्स है तीनों 1, 2 और 3 अच्छे से सेटिंग नहीं होंगे तो भी ये आपका जो धागा यहाँ से टूटता रहता है सेटिंग नहीं होने पर। तो ये मैंने सेटिंग कर लिया, इसको घस भी लिया। अब देखो यहाँ पे इसके लग नहीं रही है मुझे, क्योंकि मैंने इस पे हल्का सा रिजमाल से ऐसे इसको फिनिश कर लिया था। अब आप इसके अंदर चक्री को जांच करके कि हाँ आपकी चक्री सही है, आपका धागा सही है, इस प्रकार से आपकी बोबिंग का धागा रहना चाहिए। बोबिंग का धागा सही होता है तो वह गिरती नहीं है। और अब हमने इसको ऐसे अंदर डाल लिया, ये सही है, ये देखिए अब जो हमारी सुई है वो यहाँ से सुई यहाँ अंदर इस धागे तक जाएगी। देखो आप आपको इसकी पूरी प्रोसेस दिखा देती हूँ, यहाँ से इस धागे को और ऊपर तक ले जाती है, ये वाला हमारा धागा है ये इस धागे को। अब कितना नीचे आना पड़ता होगा, आप देखो सुई को यहाँ से इस धागे तक वो नीचे आती है ये देखिए, और इसके बीच के अंदर जो ये वाला होता है ये जो ये धागा काटता रहता है, तो इसको हमने रेजमाल से घस लेना है और इसको आपको फिनिश कर लेना है, सही कर लेना है, तो ये आपकी धागा चक्री कभी नहीं काटेगी। अब देखो हम चक्री सेटिंग करें, उससे पहले जो यहाँ पे आपको कचरा दिखाई दे तो उसको आप ऐसे साफ कर लो, ये देखो ये वाला जो कच्चा होता है थोड़ा बहुत, तो आप इनको ऐसे यहाँ से साफ कर लो अपनी मशीन को, जो भी नीचे आपका कच्चा आपको दिखाई देता है ये देखो इस प्रकार से होता है थोड़ा थोड़ा कच्चा, तो आप उसको पूरा ऐसे अंदर से इसकी जो है सफाई कर लो अच्छे से, और उसके बाद में हमें अपनी यहाँ पे सेटिंग करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें सेटल ये वाले दो पेच है और यहाँ पे हम अपना सेटल जो है वो सेटिंग करेंगे। तो हमें अपने सेटल को कैसे सेटिंग करना है इसके लिए देखो इसको ऐसे एक बार नीचे रख लेते हैं, फिर जो ये डब्बी निकल गई है इसको आपको ऐसे डाल लेना है। डब्बी को इस प्रकार से डाला जाता है, ये सीधा अपनी हथेली के अंदर रखो और आप इसको ऐसे अंदर डाल लो, सेटिंग होगी है। अब हमें इसको ऐसे सेटिंग करना है, देखो ये वाला जो पार्ट्स है ये वाला इसको आप चेक कर लो कि ये किस तरफ है, तो ये वाला इसकी सामनी तरफ होना चाहिए,
है तो इस वाले को आप इस तरफ रख के और यहाँ इनको ऐसे सेट कर दो। अब आप ये देखिए कि इसके जो पेच वाले सेंटर, ये देखिए, ये आपको अंदर तक दिखाई देते होंगे, ये देखिए। और इस इनके अंदर अब हमें यहाँ पे इनके जो पैच है वो डाल देने हैं। पेच हम इसके अंदर ऐसे लगा देंगे हल्का सा, और एक पेच को आप इसके अंदर ऐसे लगा दो। ऐसे ही और बराबर में देख लीजिएगा कैसे हमने सेट किया इसको। आप बिल्कुल अच्छे से देख करके अपने सेटल को आपको इसी प्रकार से देखो सेट करना है बिल्कुल अच्छे तरह से। और हमने आपको इसको पूरा सेट करना और अब देखो इसको टाइट करना। अब ये दोनों बिल्कुल अच्छे से हैं और इस प्रकार से आप इसको अच्छे से फिनिश करके सेटिंग करके घस करके और लगा लें। अब आपका धागा है जो नहीं टूटेगा। ये हमारा देखो टाइट हो गया बिल्कुल, ये दोनों पैच हमने कस दिए बिल्कुल ओके हो गया है। अब हम ये जो बोबिंग है इसका धागा यहाँ पे सेट करके और इसको हम लगाएंगे और सिलाई चेक करेंगे कि कैसी हमारी सिलाई आ रही है। ये धागा हमने इसको बाहर निकाल लिया है। अब हम इस कपड़े पे चेक कर लेते हैं। देखो जब भी आप साफ सफाई करो तो ये जो तेल है सभी छिद्रों में, जो हमारी मशीन के सभी छिद्र हैं, इसमें आप तेल डालना बिल्कुल ना भूले। नीचे के जो पार्ट्स है जहां जहां आपको नीचे के जॉइंट्स दिखाई देंगे, जैसे कि आपको देखो ये वाले ऐसे जॉइंट होते हैं, आपको दिखा दूं कि ये जैसे जॉइंट है, तो ये सब जो जॉइंट है इनमें आपको तेल देना बहुत जरूरी होता है। ये वाला जो आपका गोल राउंड है यहाँ पे आपको बिल्कुल तेल देना, यहाँ पे जो आपका धागा नीचे का कभी फंस जाता है जिसकी वजह से आपका ये जो चक्कर है वो टाइट हो जाता है, तो इसमें आपको तेल देना बहुत जरूरी है। और तेल दे के आप जैसे ऐसे इसको हिलाओगे तो वो धागा बाहर निकल आएगा और आपका जो ये चक्का है वो टाइट जो हो गया वो लूज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अब देखो हमने इसमें धागा बाहर निकाल लिया, तेल भी दे दिया अपनी मशीन को, तेल दे दिया बहुत अच्छे से इसको साफ करके। अब देखो इसकी जो सिलाई है वो आप देखिए बहुत अच्छी आ जाती है और इसकी जो आवाज है जैसे कि मैं अमूमन चलाती हूँ और मैं मेरी जो मशीन है वो बिल्कुल साफ करते हैं परंतु मुझे कम समय मिलता है, तो आज मैंने खुद इस चीज को देखा है, अनुभव किया है। देखते तो बहुत टाइम हो गया किंतु मैंने आज इसको अनुभव किया है कि आज मैं खुद इस चीज का जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो मैं अपने दर्शकों को खुद बताऊंगी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए खुद बनाया है और इसको बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश की। तो आपको देखो ये बिल्कुल भी धागा मेरी तोड़ रही थी मशीन, इसकी बहुत खराब हो गई थी सिलाई, और आप देखिए बिल्कुल जो है इसकी जो सिलाई है मैंने इसको निकाल करके देखा बिल्कुल अच्छी आ रही है, बैक साइड से भी अच्छी है और आगे से भी अच्छी है। तो आप जैसे मैंने किया है वैसे आप इसको सही करेंगे और अपनी जो बोबिंग है उसको सही करेंगे, सेटल को सही करेंगे, सुई की नोक को चेक करेंगे, इस छिद्र को चेक करेंगे और इस वाले को भी, बिल्कुल आपका धागा टाइट नहीं रहे बिल्कुल नॉर्मल रहे बीच में और अच्छा चले, तो आपको इसको बराबर रखना है। तो आप इस प्रकार से जैसे मैंने बताया वैसे आप अगर अपनी मशीन को ओके कर लोगे तो आपका धागा बिल्कुल नहीं टूटेगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कीजिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी कुछ जानकारियां जो कि मेरे पास में अवेलेबल है मैं आपको आप तक उनको पहुंचा सकूं, ऐसा मैं कोशिश करूंगी, ट्राई करूंगी और निरंतर आपके साथ जुड़ी रहूंगी। आप भी मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। थैंक यू।